सर, जेतपुरा के प्रकरण का क्या पूरा घटनाक्रम और क्या है पूरा मामला सर? ये जो है दूल्हा था जी, अनिल इसकी शादी थी, दूल्हा ही बना था उस समय, और इसके जो है बुआ की लड़की है बहू, ये खंडवा साबरकुटी पीथमपुर के पास रहने वाले जी। तो 7 तारीख को ये आई थी यहाँ, ये मामे ससुर के छोरे की शादी हुई, अनिल की शादी हुई जी। तो इसके जो है क्या हुआ ये तो बता रहे पीड़िता जी कि बोले मेरे को अनिल की बहन बोली कि बोले चलो कमरे में चल के अपन बात करते हैं जी। वहाँ पहले से ही अनिल जो है मौजूद था कमरे में जी, बता रहे शराब पिया जी। उसने जो है पीड़िता के हाथ पकड़ लिए, नीरू जी पीड़िता जो आरोपिया है जी। ये आरोपी की बहन है नीरू, आरोपी की सगी बहन जी। उसने बोले पीछे से हाथ पकड़ लिया और अनिल ने मेरे साथ गलत काम किया जी। उसके बाद जो है जब मैं चिल्लाने लगी तो मेरा नीरू ने मेरा मुंह दबा दिया जी, मैं चुप रही जी। इसके बाद जो है दूसरे दिन फिर नीरू ने कहा बोले उसी समय बताया किसी को बताना मत, बताया तो जान से खत्म कर देंगे। दूसरे दिन फिर जो है पीड़िता जी हुई, ये अपने आरोपिया जी नीरू, इसका भी कहीं घर पास नहीं है तो अपने घर लेके बोले चल भाभी मेरा घर चलते जी। वहाँ भी जो है अनिल पहले से ही था जी, चला गया था, वहाँ भी उसने गलत काम किया। इस बार जो है इस प्रकार 3 बार जो है सर बताया पीड़िता, पीड़िता का कहना है। तो जो आरोपी है वो आरोपी कितने लोग हैं सर इसमें? आरोपी दो है, भाई और बहन सगे, दोनों सगे भाई बहन आरोपी, सगे भाई बहन। और ये जो पीड़िता है ये इनके आरोपी की शादी में आई थी? हाँ, आरोपी की शादी में आई थी पीड़िता। अभी कोई गिरफ्तार हुआ सर इस मामले में? हाँ, गिरफ्तार हो गए दोनों भाई बहन, दोनों भाई बहन। एक जेल चली गई, छोड़ दोनों जेल चले गए, दोनों जेल चले गए।